अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एसएम महमूद एंड वेलकम टू जायंस। इस वीडियो में मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट, जो कि एक प्रीटी लाइट वेट टेक्स्ट एडिटर है, उसको विंडोज़ में इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा और उसकी बेसिक यूजेज का तरीका बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये वीडियो हमारी इस सीरीज की 10वीं वीडियो है। अभी तक हमने गूगल क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, फ्री डाउनलोड मैनेजर, WinRAR, VLC, Notion, AnyDex, Draw.io और VS Code को विंडोज में इंस्टॉल करने का तरीका देखा और उनके बेसिक यूजेज का तरीका देखा। इस वीडियो में हम सबलाइम टेक्स्ट उसको विंडोज में इंस्टॉल करेंगे और उसके बेसिक यूजेज का तरीका देखेंगे। मैं सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपने अगर किसी भी और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखना हो तो आप इजीली उसको देख सकें। सबलाइम टेक्स्ट को डाउनलोड करने के लिए आप एक न्यू टैब को ओपन कर लें, सबलाइम टेक्स्ट लिखकर सर्च करें। फर्स्ट सर्च रिजल्ट आपके पास आएगा sublimetext.com। यहाँ पर आपके पास ये बटन आ रहा होगा डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक करें और सबलाइम टेक्स्ट का जो डाउनलोडर है उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसकी डाउनलोड कंप्लीट होने का वेट करूँगा और फिर हम कंटिन्यू करेंगे। डाउनलोड मेरे लिए कंप्लीट हो चुकी है, मैं यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसको स्टार्ट कर दूँगा। इसे मैं क्लोज कर दूँगा और इस टैब को भी यहाँ से क्लोज कर दूँगा। ओके, यहाँ पे ये आपसे सिर्फ इसका इंस्टॉलेशन पाथ आपको क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पे इस ऑप्शन को आप चेक कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ये सबलाइम टेक्स्ट को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। फिनिश पे क्लिक करेंगे और सबलाइम टेक्स्ट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये सबलाइम टेक्स्ट हमें यूज नज़र आ रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और सबलाइम टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लूँगा। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने VS Code को इंस्टॉल किया था। VS Code एक थोड़ा सा पावर कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आपका सिस्टम काफ़ी हाई स्पेक्स के साथ है, i7, i9, तो फिर आप सबलाइम टेक्स्ट की इंस्टॉलेशन को स्किप भी कर सकते हैं। किसी भी टाइप का जब हम कोड लिखते होंगे तो हम उसे VS Code में लिखेंगे। सबलाइम टेक्स्ट मेनली आप एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे कि आप सिंपल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हैं, वो आप सबलाइम टेक्स्ट में बना लें इंस्टेड ऑफ यूजिंग के आप सिंपल जो नोट पैड है, ये सिर्फ और सिर्फ जो विंडोज़ में नोट पैड है उसका बेहतरीन अल्टरनेटिव है, क्योंकि ये आपकी फाइल्स की जो हिस्ट्री है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकता है। मैं यहाँ पे काफ़ी फाइल्स ओपन करूँगा और इसको क्लोज करके चला जाऊँगा। इवन कि अगर मैं इसको शट डाउन भी कर दूँगा अपने सिस्टम को, फिर भी नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगा और इसको ओपन करूँगा तो ये उन सारी फाइल को जो अनसेव्ड फाइल थी उनकी हिस्ट्री को मेंटेन रखेगा। हालांकि जो नोट पैड है वो इस तरह का काम नहीं करेगा, वो आपसे सिर्फ पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर आप शट डाउन कर देंगे डायरेक्टली तो वो जो डाटा होगा आपका लॉस हो जाएगा। तो सबलाइम टेक्स्ट आपके लिए सिर्फ नोट पैड का जो एक बेहतरीन अल्टरनेटिव है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव है। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है और एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो, इसमें आपने देखा कि आप सबलाइम टेक्स्ट को विंडोज़ में किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको बेसिकली किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.